नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। और चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां वृंदावन में ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किन्नर महामंडेश्वर हिमागी सखी ने कुमार स्वामी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। बता दें कि हिमागी सखी के समर्थकों ने रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत विद्यालय पर पास के कुमार स्वामी का पुतला फूंकने पहुंच गए थे। जैसे ही कुमार स्वामी के समर्थकों को इसका पता चला तो वे भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कुमार स्वामी के समर्थक ने जबरन किन्नर महामंडलेश्वर के हाथों पुतला छीन लिया, जिससे हिमागी के समर्थक आक्रोशित हो गए। इस दौरान दोनों के समर्थकों में नोकझोंक भी हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों पक्षों के समर्थकों को समझाइश दी। हिंदू आज हम यहां पे प्रदर्शन इसीलिए करने आए थे और बड़े शांतिपूर्वक हम करना चाहते थे। इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने वाले कुमार स्वामी का चेला और उनके अनुयायी आए और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कुमार स्वामी के शिष्यों के द्वारा जो वीडियोस हमने बताए कि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहा, चरित्रहीन के साथ साथ 16,000 रानियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बात अगर हमारे यत्र योगेश्वरा कृष्ण के बारे में कोई कहता है तो हम धर्म गुरु है, हमारा कर्तव्य बनता है बोलना, और आज उसी के लिए मैं आई। इस तरह की बात कुमार स्वामी ने अपने व्यासपीठ के द्वारा दी गई है और वो सारे वीडियोस मैंने आप सबको सेंड किया गया है।